हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टॉप 10 सेलिंग कार्स ऑफ ऑल टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 10। नंबर 10 पे है टोयोटा हाइलक्स। टोयोटा हाइलक्स को पूरी तरह से कार नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ कार एंड अ मिनी ट्रक। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज SSUV, which means several sport utility vehicle। Toyota ने Hilux की first generation को March 1968 में launch किया था और अब तक इसकी 8th generation आ चुकी है। Toyota Fortuner is also the successor of Hilux। Terrorism analysis की एक report ये भी कहती है कि terrorist group की बंदूकों में पहली पसंद है AK-47 एंड गाड़ियों में Toyota Hilux। हाल ही में Hilux ने अपने 50 साल पूरे किए और इसी के साथ Toyota ने लगभग 18 मिलियन Hilux सोल्ड आउट करके टॉप 10 में फोर्ड मॉडल टी को बाहर करके अपनी जगह बनाई। नंबर 9 इज होंडा एकॉर्ड। अपने बड़े भाई होंडा सिविक के नक्शे कदम पे चलते हुए एकॉर्ड पहली बार दुनिया के सामने 1976 में आया। एकॉर्ड जो कि एक सेडान कार के रूप में जाना जाता है, पर एक्चुअल में अपने शुरुआती दिनों में ये एक हैचबैक बॉडी में लॉन्च हुआ था। अपने फ्यूल इकोनॉमी और लग्जरी फीचर्स को लेते हुए पहली जापानीज कार बनी, जो कि अमेरिका में मैन्युफैक्चर्ड हुई थी और अमेरिका में ही 1989 तक सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी बनी। 1989 के बाद एकॉर्ड को सेडान बॉडी के साथ लॉन्च किया गया और 1994 में एकॉर्ड को इम्पोर्ट कार ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया। और हम आज जिस एकॉर्ड को देखते हैं वो इसकी 10th जनरेशन कार है और अब तक होंडा ने एकॉर्ड की 18.5 मिलियन से भी ज्यादा कार्स बेच दिए हैं। नंबर 8 पे है फोर्ड एस्कॉर्ट, जो कि फोर्ड की बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक है। इसे जनवरी 1968 के ब्रुसेल मोटर शो में लॉन्च किया गया और साल 2000 आते आते इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था। एस्कॉर्ट अपने प्रोडक्शन लाइफ में यूरोप की सबसे लोकप्रिय कार्स में से एक रही और ये 1980 से 1990 में ब्रिटेन की सबसे अधिक बिकने वाली कार भी रही। अपने पूरे टेन्योर में फोर्ड ने एस्कॉर्ट की 20 मिलियन कार सोल्ड आउट की। नंबर 7 इज लाडा क्लासिक सीरीज। लाडा क्लासिक सीरीज को बहुत नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि लाडा रिवा, लाडा नोवा, वैद सीरीज एक्सेट्रा। लाडा सीरीज को मैन्युफैक्चर करती थी ऑटोवैज कंपनी और ऑटोवैज ने इसे लॉन्च किया था 1980 में और रशिया में 2012 तक इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। हालांकि 2015 तक लाडा सीरीज के कुछ मॉडल्स इजिप्ट में मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड आउट होते रहे। लाडा रशियन मार्केट की चीपेस्ट ऑटोमोबाइल्स में से एक बन गई थी और प्रोडक्शन एंड होने के बाद भी रशिया में ये सबसे पॉपुलर रीसेल कार भी रही। लाडा की ओवरऑल टोटल सेल्स वॉल्यूम है अप्रॉक्स 20 मिलियन। नंबर 6 इज फॉक्सवैगन बीटल। टेक्निकली बीटल फॉक्सवैगन की पहली कार भी है, लेकिन जब इसे 1938 में लॉन्च किया गया तब इसे सिर्फ फॉक्सवैगन के नाम से ही बेचा गया। बीटल 1938 में प्रोडक्शन में आ गई थी, बट स्पेन में सिविल वॉर होने के कारण ये लोगों तक बहुत लेट पहुंची और बीटल की लास्ट प्रोडक्शन 2019 तक ही हुई। ऐसा कहा जाता है कि बीटल एडोल्फ हिटलर का सपना था। उस टाइम पे गाड़ियां बहुत महंगी होती थी, जिससे कि जर्मनी में बहुत कम लोग कार खरीद पाते थे, तो हिटलर ने ऑर्डर दिया ऐसी कार बनाई जाए जो कि काफी सिंपल और सस्ती हो, जिससे एक आम आदमी पूरे परिवार के साथ ट्रैवल कर सके। बीटल सिंगल प्लेटफॉर्म पे बनी कार्स के लिस्ट में एकमात्र कार है जो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर हुई है और 20 मिलियन कार्स सोल्ड आउट होने वाली पहली कार भी है। फोर्ड मॉडल टी मिनी के बाद दुनिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कार्स में से एक बीटल भी है और 2019 तक फॉक्सवैगन ने 23.5 मिलियन बीटल को सोल्ड आउट कर दिया है। नंबर 5 इज होंडा सिविक। And you will be amazed to know that Civic के लॉन्च से पहले होंडा कार मैन्युफैक्चरिंग से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए सोच रहा था, क्योंकि Civic से पहले होंडा की सभी कार्स मार्केट में अनसक्सेसफुल साबित हो रही थी। Civic होंडा की सबसे पहली कामयाब गाड़ी बनी
और मार्केट में होंडा को सिविक की वजह से एक नई पहचान भी मिली। होंडा ने फर्स्ट जनरेशन सिविक को 1972 में लॉन्च किया था, जो कि एक टू डोर कॉम्पैक्ट कार थी। और आज जो सिविक मार्केट में हम देखते हैं वो है 10th जनरेशन सेडान कार। अब तक होंडा ने सिविक की 24 मिलियन से भी ज्यादा कार्स बेचने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। नंबर 4 पे है फॉक्सवैगन पसाट। पसाट की फर्स्ट जनरेशन कार लॉन्च हुई थी 1973 में और जो मॉडल मार्केट में अभी अवेलेबल है वो है पसाट की 8th जनरेशन, जिसे दिसंबर 2019 में नॉर्थ अमेरिका में लॉन्च किया गया। पसाट एक सेडान कार है जो कि उस समय की सबसे मॉडर्न फैमिली कार मानी जाती थी। उस टाइम पे इसके सिर्फ दो ही कॉम्पिटिटर्स रहे, टोयोटा कैमरी एंड होंडा एकॉर्ड। और जो बात पसाट को सबसे अलग बनाती है वो है इसकी लग्जरी बनावट, जो कि उस समय की हाई एंड और महंगी गाड़ियों में ही मिलती थी। और यह नियमित रूप से कई सालों तक सबसे आरामदायक कार्स के लिस्ट में टॉप पे रही। फॉक्सवैगन ने पसाट की अब तक 30 मिलियन से भी ज्यादा कार सोल्ड आउट कर दी हैं। एंड नंबर 3 इज अगेन फ्रॉम फॉक्सवैगन फैमिली, विच इज फॉक्सवैगन गोल्फ। गोल्फ फॉक्सवैगन की बेस्ट सेलिंग मॉडल है एंड वर्ल्ड की 3rd बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक है। फॉक्सवैगन ने गोल्फ की फर्स्ट जनरेशन को 1974 में हैचबैक बॉडी के साथ लॉन्च किया था और अभी जो मॉडल हम मार्केट में देख रहे हैं वो है गोल्फ की 8th जनरेशन। फॉक्सवैगन ने इसे वर्ल्ड में डिफरेंट बॉडी कॉन्फ़िगरेशन और डिफरेंट नेम्स के साथ बेचा, जैसे अमेरिका और कनाडा में गोल्फ को फॉक्सवैगन रैबिट और मैक्सिको में फॉक्सवैगन कैरिबे। इसके नाम कई सारे अवार्ड्स भी हैं, जैसे कि वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर 2009, यूरोपियन कार ऑफ द ईयर इन 1992 एंड 2013, एंड मोस्ट रिसेंट इज मोटर ट्रेंड कार ऑफ द ईयर इन 2015। अब तक फॉक्सवैगन ने गोल्फ की 33 मिलियन से भी ज्यादा कार बेच दी है। नंबर 2 इज फोर्ड एफ सीरीज। फोर्ड एफ भी हाइलक्स की तरह ही है, इसे पूरी तरह से एक कार नहीं कह सकते बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ कार एंड अ मिनी ट्रक एंड इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज SSUV। फर्स्ट एफ सीरीज लॉन्च हुई थी 1948 में और अभी मार्केट में जो एफ सीरीज अवेलेबल है वो है 13th जनरेशन, और बहुत जल्द हम इसके इलेक्ट्रिक वर्जन को भी देखेंगे, विच वॉज ऑलरेडी अनाउंस्ड बाई फोर्ड इन 2019 डेट्रॉइट मोटर शो। If we talk about awards, you will be surprised that इसे किंग यूं ही नहीं कहते। 8 बार लगातार सैन फेलिपे 250 जीत चुकी है बिटवीन 1999 टू 2007 और 2009 में बेस्ट लग्जरी पिकअप के अवार्ड से भी इसे सम्मानित किया गया है। 1977 तक ये अमेरिका की बेस्ट सेलिंग पिकअप ट्रक भी रही है। अब तक फोर्ड ने 40 मिलियन से भी ज्यादा एफ सीरीज बेच दिया है। नंबर 1 इज टोयोटा कोरोला, जो कि एक कॉम्पैक्ट कार के रूप में 1966 में लॉन्च हुई थी और आज हम इसे सेडान कार के रूप में देखते हैं, जो कि कोरोला की 12th जनरेशन कार है। कोरोला मात्र 8 सालों में ही ये दुनिया की बेस्ट सेलिंग कार बनके फॉक्सवैगन बीटल को भी पीछे छोड़ दिया था। कोरोला 30 मिलियन एंड 40 मिलियन सोल्ड आउट होने वाली पहली कार है और बहुत जल्द ही कोरोला पहली 50 मिलियन सोल्ड आउट होने वाली कार भी बनने वाली है। कोरोला विच मींस क्राउन इन लैटिन, एंड वही ताज इसने टोयोटा को पहनाया विथ सेलिंग मोर देन 47.5 मिलियन कार्स टिल नाउ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कॉन्टेंट्स देखने के लिए माइंड ब्लोइंग टॉप 10 चैनल को सब्सक्राइब करें।